अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान है, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। आज हमारा टॉपिक है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पिछले वीडियो में हमने डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनिट्स और एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज हमने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड का मतलब ये है कि पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड्स में और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्या होते हैं। तो पीरियड्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब यह है कि जनरली हमारे पास पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती हैं। इसके बाद अगर ग्रुप्स की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी हम ये कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसके बाद अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें यानी एक पीरियड्स ले लें, तो पीरियड्स में अगर हमारे पास देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये पीरियड नंबर टू हैं। पीरियड नंबर टू हमने लिया है तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो जनरली इसमें वो एक्सेप्शन केसेस भी आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखो बेरिलियम की जीरो है, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन पे आके उसके भी जीरो हो जाते हैं, और इसके बाद नियान पे आके तो नियान के भी जीरो हो जाते हैं। और बाद में अगर हम वैसे भी अगर हम बात कर ले कि इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हो 29, इसके बाद 122, और इसके बाद 144, और इसके बाद 141, और इसके बाद 328। ये अच्छा एक और बात है, मेन बात है जहन में रखो कि ये माइनस जो है ना ये शो कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वैल्यू को नहीं शो कर रहा है, ये वो शो कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस वजह से अगर बाकी हम वैल्यू को देखें तो अगर ये 29 है तो ये 122 है, ये 141 है, ये 328 है, मतलब इस तरफ हम जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये रिलीज हो रही है। तो अब इसमें अगर आप देखें ये एक्सेप्शन केस जो आ जाता है, जैसा बेरिलियम में आ गया, इसके बाद नाइट्रोजन में आ गया, और इसके बाद नियान में आ गया, ये हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्यों जीरो आ रही है या ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं। इसकी वजह ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर आप बेरिलियम को देखो 1s2 2s2, तो 1s2 O2, तो इसमें उसका 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस वजह से कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है, और इस वजह से वो एक आने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करना चाहे तो वो इसमें आ जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ना इस उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हाफ फिल्ड हो सकता है ना कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास बेरिलियम की कम्प्लीटली फिल्ड की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इसके बाद नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन में अगर हम देखो 1s2 2s2 2p3, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी s ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p में, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड की वजह से नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर लें, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें ऐड कर ले तो इसके इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका कोई फायदा ही नहीं है, न इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हाफ फील्ड हो सकता है न कम्प्लीटली फील्ड हो सकता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन के हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है, और इस वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद नियान की, नियान तो नोबल गैसेस है, आठवां ग्रुप अगर हम देखें हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, इन सारों की नोबल गैसेस जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है, यानी देखो 1s2 2s2 2p6, यानी sp फिल है, 1sp फिल है, 2sp फिल है और 2pb फिल है। तो इस वजह से हमारे पास और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक्स्ट्रा ही शेल में चला जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन तीनों में, बाकी अगर ये तीन 1 2 3 ये एक्सेप्शन केस आ रहे हैं, इसमें अगर ये ना होता तो फिर हम बोल सकते थे कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी हम जनरली बोलेंगे एक्सेप्शन केसेस इसमें हैं। इसके बाद ग्रुप्स में, अगर हम एक ग्रुप्स में काम हमने कहा कि टॉप टू बॉटम आएंगे, क्या आएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, मैंने एक ग्रुप लिया है
17 ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें फ्लोरीन की -3 to 8 यानी आप माइनस को अगर दरमियान से निकाल दें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हो रही है इस ये शो करता है। बाकी अगर आप वैल्यू के देखें तो 3 to 8 वैल्यू है, इसके बाद 3, 4, 9 वैल्यू है और 3 to 5। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन केस जो आ रहा है एक्सेप्शन केस की वजह से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है किस से फ्लोरीन के, इस यहाँ पे एक्सेप्शन केस आया। और बाकी अगर हम ये बात करें कि टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो सही है वो क्यों। अब हम यहाँ पे ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन या वाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन फ्लोरीन। तो रीजन ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2। ये अब देखो हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, छोटा साइज छोटा है लेकिन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देख 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज हमारे पास छोटा है, 7 इलेक्ट्रॉन उसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं वो आपस में छोटे साइज की वजह से एक ही जगह पे बहुत ज्यादा है या करीब करीब है तो इस वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा और इस वजह से फ्लोरीन इतने आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसमें आप देखो ये वही क्लोरीन है तो क्लोरीन की भी विलयन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन वो आसानी के साथ एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर है तो ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो इसका इस पे इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा इस वजह से हम ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं और इस वजह से हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है यदि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इतना जितना क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से तो क्लोरीन को बोला भी जाता है कि क्लोरीन पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन के हैं क्योंकि इसमें देखो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ये रिपेल कर रहे हैं साथ साथ हैं नजदीक नजदीक है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इसको इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम मेन जाते हैं मेन मकसद की तरफ कि हमने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पढ़ा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, एक्सेप्शन केसेस आ रहे हैं वो एक्सेप्शन केसेस लेफ्ट टू राइट जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहे हैं, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की वजह से आ रहे हैं। इसमें कुछ एलिमेंट है जिसका जैसा बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियान हो गया, उसका हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है और जिन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑर्बिटल हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कम होती है। टॉप टू बॉटम हमारे पास लेफ्ट टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है।